आवाज नहीं आई, आवाज बिल्कुल नहीं आई, मैं बता रहा हूँ। अब कह सकते हैं थोड़ी थोड़ी आई भाई, शुरू लव यार। होली हम बोल सकते हैं 8 अगस्त कब है। सो टूरू लव यहाँ पे खड़ा था, शोर मचा रहा था, यू गोइंग, ये भी टूरू लव है, यू लव्ड इट, बहुत मजा आया, अमेजिंग। और जगह कैसी है? जगह बहुत बढ़िया, सही है, सही डिसाइड किया था, वेल वेल डन। सो हमने क्या किया था, देखो ये यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग थी बट प्राइवेट इवेंट हमारा में पीछे में हो रहा था। एंड जिप्पी पाजी हमारे बचपन के, हाय ब्रो, कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया था। इंट्रूडर पे? हाँ, ओ मी जो, तो ये सरदार जी इंट्रूडर चलाते हैं, बहुत सोने लगते हैं, और बॉडी बॉडी भी है हमारी, तो बस टोन है, इनके पास डोले भी हैं, बट शाहिद ने यार क्या होस्टिंग करी यार, भाई थैंक यू, फैन हो गए। मतलब कैसे एकदम से, मतलब बिना सोचे समझे बस वहीं पे इम्प्रॉम्प्टू, मतलब बोल देता है जो अच्छा लगता है। ये तो मतलब हम लोगों के लिए तो इट्स अ मेमोरी ना, ऑलवेज सो मच मेमोरीज, यू नो, हर साल कैलेंडर में कुछ ना कुछ होता रहा, हम डिस्कस करते हैं साल भर, यू नो, होता रहा, होता रहा, बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो अगले साल ग्रैंड कर रही है, कोविड शोविड की रिस्ट्रिक्शंस भी हट जाए, हमें थोड़ा टाइम भी मिल जाए, तो आप लोगों को दोबारा से बुलाना चाहते हैं, ऐसा पूरा जो ये प्लेस है ना बुक कर लेंगे, है ना, ये इतना बड़ा अरीना है, आगे है, छत है, पीछे है, अंदर है, सब कुछ बुक कर सकते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। क्या कहती है पब्लिक, डू कमेंट, ऐसे है हमारे विचार। एंड अभी वैसे देखो ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ है, बट धूप बहुत तीखी है, अभी हम इधर धूप में अभी एक्सपोज हुए, नहीं तो कितनी देर से अंदर थे। इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अपने फैमिली मेंबर्स से जो आए हैं थ्रू इंस्टाग्राम। सो आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका है। आपने जब ये कल मैसेज पढ़ा होगा कि आपने जीता, तो क्या फीलिंग आई? मतलब रात करना मुश्किल हो गया, तो सुबह का इंतजार था बस मुझे। सीरियसली? यस। मेरा नाम देववर्धन। Okay. मैं एक्चुअली सर ने जब लिंक डाला तो मेट्रो में था, तो मेट्रो में ही सारा कुछ मैंने टाइप किया, फिर अनएक्सपेक्टेड था कि सर वापस से रिप्लाई करेंगे, तो सर का रिप्लाई मुझे शाम में आया करीब 10 बजे के। और इसके साथ भी ऐसा था, मैंने लकी विनर चूज किया बट इसने मैसेज ही नहीं देखा था, फिर मैंने इंस्टाग्राम में दोबारा डाला यार देव नाम से कोई है तो जाके जरा DM चेक करो। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज हियर। एंड इसका थोड़ा नाम मिलता जुलता है, JS है। बताओ भाई आपको कैसा लगा जब आपको मैसेज रिसीव हुआ इंस्टा पे? क्या था उस टाइम, मैं बस सोने वाला था और सोते हुए जस्ट टन बोला मेरा फ़ोन, और जैसे ही मैंने फ़ोन में देखा, वाओ ये क्या हुआ, तो भाई साहब मेरा दिमाग चकराया, पाजी का मैसेज, फिर बल्ले बल्ले होगी पाजी। हाँ जी, आपका नाम सर? तो मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं हूँ ओखला से, और भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि मेरा सपना था इनसे मिलने का और ऐसे मिलूंगा सोचा नहीं था, बहुत बढ़िया हुआ भाई, बड़ा ही मजा आया, बहुत बढ़िया। अब कलेक्टिवली आप लोगों से एक सवाल है, आप आए, अपने इवेंट अटेंड किए, आपने लोगों की बातें सुनी, हमारी बातें सुनी, थोड़ा आपका एंटरटेनमेंट भी हुआ, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ से? बहुत अच्छा रहा मेरा, तो मतलब बहुत ही औसम रहा, क्योंकि ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मजा आया, सीरियसली बहुत। चलो आई होप कि आने वाले टाइम में भी हम कुछ भी करेंगे तो कोशिश करेंगे ऐसे कुछ ना कुछ छोटे से कॉन्टेस्ट निकालेंगे इंस्टाग्राम पे। तो आपको क्या करना है वहाँ पे, फॉलो करना बनता है, सो डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। हाँ जी रेडी, व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल? अब आपको चुल हो रही होगी आगे से भी देखने की, तो रीटेक देना पड़ेगा, कैमरा लो भाई कैमरा लो, व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल? हुर्रे हुर्रे हुर्रे, जय जय हुर्रे,
पाजी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह नकुल भाई को पहचानते हो, रातें इकट्ठे गुजारी थी हमने लेह लद्दाख में। अगेन डॉक्टर के पी एस साहब एक्स्ट्रा कैलेंडर भी मिले हैं। ये जो निशानी आप हाथ में देख रहे हो ये लद्दाख की है, हमारे वो -35, 40, 50, 60 वाले ट्रिप की है। एंड साथ में हमारे रोहित दुआ भाई है, ये चला रहे थे सुबह गोल्ड विंग, इन्होंने बहुत हेल्प करी, बहुत सारी जगहें दिखाई जहाँ सुबह में अच्छा सा शूट हुआ है। तो आई होप अच्छा लगा होगा आपको। अमेजिंग एक्सपीरियंस। माय गिफ्ट ब्रो, आई लव गिफ्ट्स। एक ही डब्बा मिला बट ठीक है, खुश हूँ खुश हूँ। थैंक यू केपीएस पाजी, थैंक यू फॉर दिस। भाई दिस इज द टाइम फॉर द रैप अप। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक फ्यू मोमेंट्स एंड थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि भाई सब आए, सब ने ये इवेंट ग्रेट बनाया, सब ने बहुत एफर्ट किए एज अ फैमिली, हर बंदे ने अपना अपना काम संभाला। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग फॉर दिस ईयर कैलेंडर 2022। कैलेंडर सेक्सी इस बार तो सीरियसली पक्का बहुत सही लग रहा है, मैंने दो लिए। यहाँ पे स्पेशल थैंक है हमारे जस्सी पाजी को क्योंकि भाई इन्होंने खींची अमेजिंग वाली पिक्चर्स, इसीलिए जो तारीफे कर रहे हैं ना ये कैलेंडर, ये शायद साथ खड़े हैं इसलिए कर रहे हैं, बट रियलिटी है सारे सबने एफर्ट किए हैं। मैं यहाँ पे बोलूंगा हर बंदे ने, मतलब यू सी एवरी वन, तो सबका छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमें यहाँ तक लाने में और इस सक्सेसफुल इवेंट के लिए भी, है ना भाई। तो एक बार राउंड अप्लॉज सबके लिए भाई। एंड आज हितेन भाई को थोड़ा जोश भी आ गया था सुबह, है ना, शायद वो भी रिकॉर्ड हुआ होगा तो डालेंगे हम लोग थोड़ा सा। सो एनी डे अमेजिंग जॉब डन एंड आई गेस बहुत ही जल्दी काम हुआ है और बहुत ही ना क्वालिटी है, मतलब मैं रैपिंग का देख रहा हूँ और फिनिशिंग देख रहा हूँ, सो दिस इज अमेजिंग। तो भाई कहाँ से हुआ है? गुड़गांव में एके कस्टम्स है। एके कस्टम्स यंग बंदे हैं, बहुत अच्छा काम किया। मेरे जितने यंग है बहुत ही, मेरी बाइक पे कर देंगे पक्का। भाई देख रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा मेरी बाइक पे भी कर देना। बराबर स्पीड नहीं पकड़ पाए, मैं तो बहुत धीरे चलाता हूँ, मैं बस 200 चलती है। सो इसको लॉन्डे को मिल गई है यहाँ पे Z900, बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू, क्या कह रहा है व्हीली लगाऊंगा मैं। तो सुबह ये चला रही थी रेसर चिक प्रतीक्षा, अभी वो जा चुकी है और ये अविनाश की बाइक है, अविनाश चला रहा है मेरी भूसा, दूसरी चला रहा है हर्ष, GSA एज यूजुअल माय ब्रदर एंड आई एम राइडिंग द S2 अगेन। ओके क्या हाल है जी आपके, कैसे हो? बढ़िया। ओके जी, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं? मिलते हैं। ये देखो बिना राइडिंग गियर के लड़का ऐसा दिख रहा है, इसकी भी गलती नहीं है, मैंने बोला था कि यार गाड़ी चलानी पड़ेगी, बट फिर भी सेफ साइड हेलमेट रख लियो और अच्छा हेलमेट अभी काम आ गया, इज राइडिंग द बाइक बैक। इतना ही कहूँगा, दिन गया बढ़िया यार, जैसा सोचा था ना उससे बढ़िया गया, क्योंकि मेरे को टेंशन थी खाने पीने की, खाना सबको एक नंबर लगा, स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने अगर पास कर दिया और वाइफ ने कह दिया बहुत अच्छा है तो समझ लो अच्छा है, उसको कोई फेल नहीं कर सकता। वेज नॉन वेज, कोल्ड कॉफ़ी, चाय, मोहितो, सबको बहुत बढ़िया लगा, मेरे को भी ऐसा लगा, मैंने भी जब टेस्ट किया थोड़ा सा मौका मिला था मुझे भी खाना खाने का, सो आई इवन लाइक्ड इट मैन, इट वाज वेरी लवली। एंड अगेन सबको थैंक यू जितने लोगों ने भी अटेंड किया था और ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि भैया वक्त निकाल के हमारे पास में आए और हमारा ये जो दिन है इसको और स्पेशल बना दिया। अब मैं हैप्पीली ट्रैवल कर सकता हूँ कल परसों। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद मैं कंट्री में नहीं होऊंगा, तो अगले ब्लॉग का वेट करना, जल्दी से अनवील कर दूंगा क्या है बड़ा वाला प्रोग्राम, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मेरी ज़िंदगी में मुझे पहली बार मिली है। जैसे कि एक अच्छी बात भी थी, मेरे को बिजनेस क्लास ट्रेवल टिकट मिली थी 2.5-3 लाख की एक साइड की, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि वो वाली हमने ना टिकट कैंसिल कर दी, वो थी थ्रू कैनेडा बाय एयर कैनेडा, अभी जो मैंने ली है दैट इज़ गोइंग थ्रू स्विट्ज़रलैंड, तो मेरा जो लेओवर है वो स्विट्ज़रलैंड में है, बट इस बार बिजनेस क्लास टिकट नहीं मिली मुझे, बट कोई बात नहीं, मजबूरी थी करना पड़ा, जिन्होंने भी टिकट कराई थी उनका भी थोड़ा सा नुकसान हुआ फॉर श्योर। क्या थूका
फिलहाल वर्ल्ड फेमस ट्रैफिक में हम लोग मतलब थोड़ा सा फंस गए हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अपने पास तो एस टू है जो ऑफ रोडिंग भी कर लेती है थोड़ी सी। सो ऑफ रोडिंग करते करते हम लोग आराम से निकल सकते हैं इस ट्रैफिक से और पहुंच सकते हैं DND। इसको कहते हैं ना जान के अनजान बनना या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपने को पता है यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है, फंसेंगे। भूल गए यहाँ पीछे से रास्ता जा रहा था बारह पुलिया का, लिया नहीं हमने। गलत हरकतें कर रहा है लड़के ये, थोड़ा माथा चटक ली, एक्साइटमेंट हो गई इसको सारी बाइकें देख के। अब इसने जो किया हम कैमरे में नहीं दिखा सकते, बट किया वो उसे पता है, मुझे पता है और दो तीन और राइडर्स को पता है, क्योंकि बाकी लोग आगे थे और जिसकी बाइक पे किया वो बेचारा आगे था, ये चला रहा है मेरी भूसा। 8889 इसको बोला था 6969 ले ले, बट सीरीज ही नहीं खुली थी, नहीं तो मज़ा ही छा जाता। ढल गया दिन हो गई शाम, फंस गए हम बुरे वाले जाम। फाइनली दोस्तों वी आर बैक, मजा आ गया राइड का, सब भगाते हुए आए 200 200 200। और मैं ये दोनों बाइकों को देख के समझ गया हूँ कि हमारी सिंड्रेल अभी तक नहीं आई है, सो उसका करेंगे इंतजार। मुझे लगा था पहले निकल गई तो पहले ही पहुंचेगी। करो सब कुछ बट प्रोटेक्शन के साथ। सिलेंडर तो बन गए, शूट भी हो गया, सब कुछ हो गया रेडी, ठीक है। अब किसी को अगर चाहिए तो हमारी वेबसाइट अभी थोड़ा चल नहीं रही, काम चल रहा है, दिक्कत में हम खुद भी फंसे पड़े हैं, तो अभी मेरी दुकान पे अवेलेबल है, बट मैं थोड़ा ना थोड़ा सा समझ रहे हो ना प्रीमियम, वो ब्लैक में बेचेगा, 100 का टिकट 1000 में बेचेगा। मैं यहाँ से सेटिंग से ले रहा हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा मेरी दुकान पे, बट मैं 1000 रुपए देख लो, सेटिंग देख लो, ये जा रहे हैं कैलेंडर्स यहाँ से। अब जिसको चाहिए कॉन्टेक्ट संतोष विश्नोई, इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा, थ्रॉटल के पास में भाई का खोखा है, वहाँ पे जाने का, इससे वो मिलने का, 1000 रुपए पकड़ाने का चुपके से। मैं रेडबुल फ्री, हाँ नहीं रेडबुल भी फ्री और भी कुछ फ्री दूंगा तुम्हें, बढ़िया बढ़िया, बट 1000 रुपए है। चलो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, थोड़े से कैलेंडर्स हैंड ओवर कर रहा हूँ, आप में से अगर कोई भी इसको जाके विजिट करता है और ये होगा स्टोर पे अपने, तो कैलेंडर दे सकता है, स्टिकर दे सकता है, कैलेंडर बेच सकता है, स्टिकर दे सकता है, स्टिकर साथ में दूंगा ना कैलेंडर के साथ। ये छोटी देंगे, ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं। बाकी लोग भी जा रहे हैं, सबको दोबारा से भाइयों को थैंक यू कर दें यहाँ पे, थैंक यू जी। बाइक लेके जा रहे हो? भाई मैं बेच रहा हूँ, ले लो अभी, डील कर लो, रुक के जा, पेपर साइन करा लो, पैसे दे दो और ले जाओ, हमें चाहिए नहीं, हमारा मन भर गया बस। आप बताना भाई, इज इट द राइट टाइम टू सेल इट, क्योंकि अगर ये जाएगी तो कुछ नया आएगा, और मेरे को लग रहा है बेच देनी चाहिए, क्योंकि अभी सेम सेम हो रहा है, कुछ नया आएगा इसको जाते ही, लेनी है तो बोल अभी डी। अगर ये नहीं लेता है फिर भी ये सेल पे, आपने लेनी है तो कॉन्टेक्ट कर लेना, विद एक्रा पोच और विदाउट एक्रा पोच वी विल सेल इट, है ना भाई। नंबर ओनली फॉर 21 लाख रुपए आप लोगों के। हाँ अभी उस पे हमारा प्रीमियम नाम जुड़ गया ना, प्रीमियम जुड़ गया, ये महंगे इसी की वजह से हो रही है। वीडियो लंबी हो, मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? एनीवेज वीडियो लंबी हो गई है, बस होने शांत हो जाओ, 2 मिनट का हो गया साढ़ा ए वाला क्लिप। एनीवेज दोस्तों आई होप आपको आया होगा बहुत ज्यादा मजा, एंड अगेन गुरप्रिंस ने लिए अमेजिंग सिनेमैटिक्स और जस्सी ने लिए यहाँ पे क्रेजी पिक्चर्स, पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे और सिनेमैटिक्स अपने वीडियो में देख लिए होंगे। अभी के लिए अलविदा, रहमत मेहनत प्यार, कृपा करके वीडियो को लाइक करके जाना, ऐसे नहीं जाना, और चैनल को करना सब्सक्राइब और करना एक बढ़िया सा कमेंट, कौन सी पिक्चर्स आपको बेस्ट लगी, डू कमेंट। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ब्लॉग के साथ में, अगले ब्लॉग में, और वैसे जब आप तक देख रहे हो तब भी मैं